हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन पे। और आज के इस वीडियो में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड क्लास करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट करा चुके हैं, और इस क्लास में अभी क्या करने वाले हैं, पीआई पार्ट, पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। जब कोई भी आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता था तो उसका एक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते थे, सीए प्लस पीआई करके। तो सीए वाला पार्ट पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप प्लीज इस वीडियो के ना देखें, पहले वो वीडियो कर देख करके आए, देन फिर ये कंटिन्यू करें। ये समझ में नहीं आएगा ये पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, पहले सीएफ नहीं जानेंगे तो कैसे इक्वेशन सोल्यूशन फाइंड करेंगे आप। तो सीएफ जरूरी है, एक्सिलरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसका क्या रूट्स आते थे, कॉम्प्लेक्स में, डिस्टिंक्ट में, रियल में, सर्ड्स में, ये सारा मैं बता चुका हूँ पिछले वाले क्लास में। तो आप पहले वो वीडियो देखें, देन फिर ये पार्ट टू देखें, सेकेंड क्लास देखें। ये क्या यूनिट चल रहा है आपका, कौन सा यूनिट है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, जिसका टॉपिक क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। इसका मैं डिफिनेशन भी डिफाइंड कर चुका था, क्या होता था, एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता था, ओके, जिसमें P1, P2, P3 ये सब सारे कॉन्स्टेंट होते थे, एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन लिया था। और जो क्यू पार्ट होता था उसको क्या बोले थे, फंक्शन ऑफ एक्स था वो, तो उस होल सिनेरियो क्या बोले थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। ये मैंने रिवीजन करवा दिया आपको, क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, ऑर्डर क्या होता था, डिग्री क्या होता था, सारा बता दिया पिछले क्लास में, बता चुका हूँ मैं। हायर डेरिवेटिव देखते हैं, ऑर्डर और डिग्री, ओके। तो मैं इसको रफ करता हूँ और देन फिर कंटिन्यू करेंगे कि पीआई कैसे फाइंड करते हैं जब क्यू का वैल्यू चेंज होगा, क्यू का फंक्शन चेंज होगा। इतने कंडीशन होते हैं क्यू, जब आपका राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो राइट साइड वाला जो पार्ट होता है ये होता है, हो सकता है ईरेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें तीन पार्ट पढ़ना है आपको, कॉन्स्टेंट होगा एक तो कॉन्स्टेंट हो जाए, फिर कॉन्स्टेंट की पावर एक्स हो जाए, और एक ये तो है ही ईरेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरा ये है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, साइन एक्स कॉस एक्स का। तीसरा है ये पॉलीनोमियल का है, एक्स पावर एम, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया। फिर चौथा क्या है, क्यू इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू वी, ये वाला फॉर्म में है, वी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। देन फिर फिफ्थ में क्या पढ़ना है, एक्स इंटू वी, वी क्या है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स। तो बारी बारी से क्या करते हैं, इनका पीआई कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो केस वन का ए पार्ट देखते हैं, जब क्यू आपका क्या हो, ई पावर एक्स, ओके। अच्छा ये बताइए, जब क्यू होगा आपके पास तो पीआई वाला जो पार्ट होगा, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसका सिंबॉलिक फॉर्म सपोज दैट डी स्क्वायर प्लस 2डी प्लस 1, ऐसा कुछ होगा आपके पास, और ये इस टाइप का होता है आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको मैंने किसमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया, डी के फॉर्म में। ये डी क्या है, डी अपॉन डी एक्स को रिड्यूस किए हैं डी से, वैसे ही डी टू डी एक्स स्क्वायर को किससे रिप्रेजेंट किए हैं, डी टू से, ओके। तो डी मतलब डी अपॉन डी एक्स, डी टू डी एक्स स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर, ओके। तो इस बात से कंफ्यूज ना हो कि डी क्या है, टू डी क्या है, मैंने एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को डी अपॉन डी एक्स के जगह पे क्या रिप्रेजेंट किया है, डी रिप्रेजेंट किया है, ओके। तो इस जगह पे अब स्टार्ट करते हैं, q इक्वल टू जब आपका e पावर x हो तो इसका पीआई कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा ये बताइए, डी स्क्वायर प्लस 2d को fd लिख सकते हैं ना, फंक्शन ऑफ d, d का फंक्शन है, तो यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग पीआई कैसे फाइंड करते हैं वो आपको देखना है। अब स्टार्ट होता है आज के क्लास यहां से। तो पीआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वन अपॉन आपको पहले क्या लिखना है, एफ अपॉन एफ डी, ओके। देन फिर क्या लिखेंगे, ई रेस टू ए एक्स, ये लिखना है पहले। जब पीआई फाइंड करेंगे तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो डी है तो डी के जगह पे आपको सिर्फ क्या पुट करना है, ए पुट करना है, और डी ए पुट करने के बाद जैसे ये डी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन है, तो एफ डी में डी की जगह पे क्या पुट करेंगे, डी ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन, ऐसे करके आपको पुट करना है, ओके। और देन आपको चेक करना है कि ये जो क्वांटिटी है आपका, ये इक्वल तो जीरो की इक्वल तो नहीं है, जीरो की इक्वल तो नहीं है, तो ये आपको क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए
नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, अगर जीरो नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए रेस टू ए एक्स, ऐसा फॉर्म आएगा आपका एफ ऑफ एफ ऑफ ए इंटू ई रेस टू ए एक्स। अगर इन द केस अगर एफ ऑफ ए इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, अगर कुछ ऐसा हुआ कोई कारणवश, अगर फंक्शन चेंज हुआ डी का वैल्यू रखने के बाद, डी का वैल्यू कुछ भी ए रखेंगे, ए रखेंगे अगर वो जीरो हो गया तो फिर क्या होगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर कोई भी चीज के नीचे क्या होता है तो अनडिफाइंड इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको मैं सिखा रहा हूँ कि पी आई उसके लिए क्या होगा। तो पी आई उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि एक से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं पहले एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे बढ़ा के मत देखिए, ठीक है। समझ में नहीं आएगा फिर अगले वाले वीडियो में पूछोगे, कमेंट करके पूछोगे सर समझ में नहीं आया ये बता दो, तो मैं वही बोलूंगा पीछे वाले देख लो फिर से, पीछे वाला क्लास देख लो फिर से। तो क्या होगा देखिए, पहले x इंटू ये क्या करना है f ऑफ d, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है डिफ्रेंशिएट, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन को क्या कर देंगे f डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, f डैश फिर क्या हो जाएगा d, ओके। फिर क्या करेंगे e रेस टू ax, ये आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। और फिर आपको कहा d के जगह पे फिर a पुट करके देखना है कि ये फिर ये तो भी कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है, तो f डैश a को चेक करना है इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो हो गया तो फिर से वही करेंगे, फिर से एक से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर f डैश d को डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर उसको चेक करना पड़ेगा कि वो f डबल डैश a इक्वल टू जीरो है कि नहीं। तो ये था आपका e रेस टू ax का, इसका पहला पार्ट था ये, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देन पे मैं सेकेंड पार्ट बताता हूँ कि अगर लो जब कॉन्स्टेंट होगा तो। फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, रफ कर रहा हूं मैं इसको। ये आपका क्या है एफ ऑफ डी है। अब बी देखते हैं, इसका बी क्या होता है, बी में क्या है q इक्वल टू एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोले तो a 1 2 3 4 5, मैंने a को एक जनरल फॉर्म में रख दिया, मान लिया कि a है आपके पास, ओके। जब a होगा तो क्या करेंगे आप, pi कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्या करते हैं a को क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये देखिए, अच्छा ये बताइए a जो है आपका इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a into e रेस टू जीरो इंटू एक्स, ऐसे करके लिख सकते हैं, ओके। जब जीरो लिखेंगे यहां पे तो इसके लिए क्या हो जाएगा pi, pi इसके लिए क्या हो जाएगा pi इक्वल टू वन अपॉन f ऑफ d, और ये तो a कांस्टेंट है, a को बाहर रखो, पहले a को बाहर रखेंगे, ठीक है। और e रेस टू जीरो, e रेस टू जीरो एक्स, जीरो इंटू एक्स, तो ये जब से जीरो है तो जीरो मतलब क्या, अगर किसी भी के पावर पे जीरो होता है उसका वैल्यू वन, और वन में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगा, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ d, ओके। देन फिर क्या करना है आपको, जब इसको इस वैल्यू को रखेंगे तो d के जगह पे क्या पुट करना है, जीरो पुट कर देंगे, जैसा कि इसमें हम मैंने पिछले वाले केस में किया था, d के जगह पे जीरो पुट कर देंगे। जब जीरो पुट करेंगे उसके बाद क्या मिलेगा आपको, जब जीरो पुट करेंगे तो सिर्फ वही मिलने वाला है कि d के जगह पे जीरो या फिर a है, a था उस टाइम तो a रहता, तो वहां पे क्या कर देंगे, जैसे कि a है तो सिर्फ आपको मिलेगा क्या मिलेगा, f ऑफ a मिल जाएगा सिर्फ आपको, जैसे ये है a अपॉन f ऑफ a, फंक्शन में जब a का वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे तो यही वैल्यू निकल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये pi इस तरह से इसको फाइंड किया जाता है, समझ में आया जी, यही है pi। अगर कोई है डायरेक्ट, अगर कोई कांस्टेंट है उसके फंक्शन में जो भी a रहे उसके फंक्शन में डाल दो,
ये कैलकुलेशन मत याद रखो, सिर्फ आप ये याद रखना, ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये कैलकुलेशन बताया है, ठीक है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पी इक्वल टू ए अपॉन एफ अपॉन ए, अगर ए के फॉर्म में है, वन है, टू है, थ्री है, सिर्फ क्या करोगे आप, ए पी आई सिर्फ निकला हो, ए अपॉन उसके फंक्शन जो भी होगा उसके जगह पे ए रख देना, बस वन 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 रहेगा तो वन वन इस तरह से नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप सेकेंड वाला पार्ट कर लिए, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्या है, इनको रफ करता हूं मैं, थर्ड में क्या है, जब कांस्टेंट के पावर 100, क्यू इक्वल टू कांस्टेंट मैंने ए माना और पावर में 100, ठीक है, तो इसको कैसे कैसे इसका पीआई कैसे फाइंड करते हैं, तो पीआई कैसे फाइंड करेंगे इसका, देखिए एक फॉर्मूला होता है। अच्छा ये बताइए, ये फॉर्मूला जानते हैं आप, ई पो पावर लॉग एक्स, ई पो पावर लॉग एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है, जब ई पो पावर लॉग एक्स इक्वल टू एक्स होता है तो हम इसको लिख सकते हैं ई पो पावर लॉग एक्स जब होगा तो ये सिंपल ए पो पावर एक्स का इक्वल होगा, समझ में आया। तो ये जो चीजें हैं ई पो पावर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर एक्स को ये लिख सकते हैं। जब ये लिख दिए तो अच्छा ये बताइए एक फॉर्मूला और आप जानते होंगे कि लॉग एम पर पावर एन क्या होता है, ये एन नीचे उतर जाता है, एन नीचे और फिर लॉग एम ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये लॉग का है फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे, ये भी होता है ये भी होता है। तो इसके हेल्प से ये कैसे होगा, देखिए पहले ए पर पावर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, ई पर पावर लॉग ए पर पावर एक्स, अब ये एक्स को नीचे उतार दें तो क्या हो जाएगा, ई पर पावर ये एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स को इधर रखो चाहे इस तरफ रखो, लॉग ए इंटू एक्स, ठीक है। अब वही फॉर्म में आ गया पहला वाला केस में, लॉग लॉग ए था तो वहां पे ए होता था, अब यहाँ पे क्या हो गया, लॉग ए हो गया। तो अब यहाँ पे पी आई में सिर्फ क्या रखेंगे, पी आई सिर्फ आप फाइंड कर रहा हो तो सिंपल पी आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई पर पावर लॉग ए इंटू एक्स पर पावर, वहां पे अगर होता, अगर सिर्फ ए होता तो ए लिखते थे, तो यहाँ पे एफ ऑफ डी के जगह पे एफ ऑफ डी की जगह क्या लिखेंगे, लॉग ए लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पी आई, ऐसे फाइंड करते हैं किसका, जब आपका कॉन्स्टेंट के पावर एक्स हो, समझ में आया। जैसे कि टू पर पावर एक्स है तो सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे ई पर पावर टू एक्स लॉग टू इंटू एक्स एफ ऑफ लॉग टू, तो ये हो जाएगा आपका क्या, पी आई निकल जाएगा। जहां पे फंक्शन में लॉग टू रखना है, लॉग लॉग टू कितना रखना है फंक्शन में, जहां पे डी रहेगा तो यहाँ पे डी है तो लॉग टू यहाँ पे रखेंगे, लॉग टू इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला केस, पहला केस खत्म हो गया, तीन केस में बताया मैंने, जनरली सबको यही याद रखता है, मैंने दो एक्स्ट्रा करके बताया आपको, ओके। अब मैं देखता हूँ केस टू, जब साइन ए एक्स कॉस ए एक्स होता है तो उसका कैसे निकालते हैं। चलिए केस टू, केस टू में क्या है, केस टू में आपके पास है जब q इक्वल टू क्या है, साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स है, तो इसका पी आई कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे पी आई निकलता है वो बता रहा हूं। आपके पास तो ये फंक्शन ऑफ एफ ऑफ डी है ही, ये एफ ऑफ डी है, तो पी आई इक्वल टू क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले एफ ऑफ डी नीचे लिख लें, एफ ऑफ डी जो भी, अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स लिखे, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिख, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, साइन ए एक्स ये हो गया, या फिर इसके अभी क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जैसे कि डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर के जगह पे हम पुट क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, ठीक है, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं। अब ये अब तो मुझे बताओगे सर, जैसे डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर है तो क्या मैं इसको ये पुट कर सकता हूँ, डी इक्वल टू अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर, तो ये मत पुट कर देना यहाँ पे डी के जगह पे, ये ऐसा नहीं करना है, डी को डी रहने दो, अगर डी स्क्वायर होगा तो उसका रेशनलाइज करेंगे, एक डी होगा तो उसका रेशनलाइज करके क्या कर देंगे,
फिर ऊपर ले जाएंगे प्लस माइनस करके, तो वहां से अपना कैलकुलेशन होगा। सो इसको ये मत करना है आपको, सिर्फ डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये वाला पुट करके फंक्शन में देखना, आपको चेक करना है कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जब पुट करेंगे डी के जगह पे, तो आपको साइन एक्स हो जाएगा। तो आपको ये भी चेक करना है कि कहीं एफ ऑफ ए स्क्वायर जीरो तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा पी आई आपका, पी आई हो जाएगा एक्स इंटू ये जो है ना एफ डैश डी हो जाएगा, एफ डैश डी और ये साइन ए एक्स। और फिर बाद में फिर पुट करके देखिएगा डी स्क्वायर जो है फिर से पुट करेंगे माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये एफ डैश डी हो गया, तो इसको इस तरह से करते हैं। केस टू खत्म हो गया, ओके। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए अब क्या है केस थ्री में, जब q इक्वल टू x पावर m हो मतलब एक पॉलीनोमियल क्या है x स्क्वायर प्लस x क्यूब, इस तरह से रहेगा आपको। तो क्या करेंगे इसके लिए, जैसे x स्क्वायर होता है x क्यूब होता है, तो इस तरह से pi कैसे निकालेंगे आप, तो pi क्या करेंगे इसके लिए, आप क्या करेंगे pi जो है pi पार्टिकुलर इंटीग्रल पहले क्या लिखेंगे, f ऑफ d रहेगा इस तरह से, तो 1 अपॉन f ऑफ d लिख देंगे, ओके। फिर क्या लिखेंगे x पावर m, इस तरह से लिखने के बाद करना क्या है आपको, जैसे डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन है, तो इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, देखिए ये जो है वन अपॉन वन फाइव एक्स पर पावर एन के फॉर्म में आपको लिखना है, वन प्लस फाइव एक्स के फॉर्म में लिखना है आपको पावर एन में। तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स पावर एम, ओके। अब इसको क्या करेंगे, जब जो नीचे वाला पार्ट है उसको ऊपर ले जाएंगे, वन प्लस फाइव एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा एक्स पावर एम। मतलब क्या करना है, जैसे कि एफ ऑफ डी है, जैसे कि अभी क्या है डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन, तो इनको कैसे लिखना है, वन प्लस डी स्क्वायर प्लस टू डी 2d, इसको 1 प्लस और ये x टर्म ये हो गया, तो इसको इस वाले फॉर्म में लिखना है। अभी क्या है 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस के फॉर्म में हो जाएगा, और अब क्या हो जाएगा 1 प्लस x, तो ये बाइनोमियल के फॉर्म में आ जाएगा ये, ओके। तो ये बाइनोमियल का फॉर्मूला मैं तीन चार लिख रहा हूँ, उसको याद रख लीजिएगा। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस एक्स टू पावर 1, पहले क्या कीजिए प्लस है माइनस वाला लिख लीजिए, माइनस पावर माइनस वन हो तो क्या करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह चला जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला अभी कौन सा, अभी माइनस होगा तो लगेगा, अब वन प्लस एक्स हो तो कौन सा लगेगा, देखिए वन माइनस एक्स अल्टरनेट में होता है ये, वन पहले माइनस हो गया तो फिर प्लस होगा, तो एक्स फिर माइनस आएगा, एक्स क्यू फिर प्लस आएगा, तो इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। अगर ये अभी मान लो कि यहाँ पे माइनस वन है तो माइनस टू भी हो सकता है, इसके जगह पे कैसे लिख सकते हैं उसको, देखिए जैसे कि इसके जगह पे हो सकता है कि माइनस टू भी हो, तो वन माइनस एक्स पावर जब माइनस टू हो क्या करेंगे, देखिए वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यू, इस तरह से आगे चला जाएगा। एक स्टैंडर्ड अगर मान लो कि अगर n है, n की पावर है, तो उसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो n का भी फॉर्मूला होता है, तो n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड जो होता है आपका ये होता है, देखिए 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 कहां तक जाता है x बार, तो ये होता है 1 प्लस x पावर n का, ठीक है। तो अभी ये इसका यूज नहीं आएगा, बस इसी में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखें, तीन इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें आप, इसमें यूज आने वाला है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लें इसको, मैं फिर बताता हूँ फिर कौन सा है, केस 4 बता रहा हूँ। चलिए केस 4 में क्या है, केस 4 में जब क्यू ई पावर एक्स एक्स इंटू भी हो, ई पावर एक्स इंटू भी हो, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। करना क्या है, पी आई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू एक्स इंटू भी। ऐसे लिखने के बाद क्या करना है आपको, सिर्फ देखिए e रेस टू ax लिखना है आपको, देन फिर 1 अपॉन f ऑफ, यहां पे क्या करते हैं d के जगह पे क्या करते हैं d प्लस a पुट कर देते हैं, क्या करते हैं d के जगह पे d प्लस a, और a क्या है x का कोएफिशिएंट है, तो यहां पे जहां जहां d है वहां पे d प्लस a पुट कर देंगे, यहां पे d है तो d प्लस a पुट करेंगे, तो d प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 इनटू d प्लस 1 का प्लस 1, इस तरह से आपको पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ d प्लस a हो जाएगा, और ये फिर क्या होगा v, इसका अलग कैलकुलेशन होगा, यही है इसका। और आपको फिर बाद में क्या चेक कर लेना है, ये वाला जीरो है कि नहीं, f ऑफ d प्लस a नॉट इक्वल टू 0, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस 4, अब देखते हैं केस 5 क्या होता है। केस 5 में क्या है, जब आपका q इक्वल टू x इनटू v हो, x इक्वल टू v क्या है फंक्शन ऑफ x, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो pi इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले तो आप सिंपल लिख लेंगे कि जो है उस चीज को लिख ले पहले, 1 अपॉन f ऑफ d x इनटू v, इस तरह से लिख ले, ओके। देन फिर क्या करें, x को बाहर रखें, x को बाहर रखेंगे, ठीक है, देन f ऑफ d इनटू v, इस तरह से क्या करेंगे, f ऑफ d इनटू इसका अलग कैलकुलेशन होगा, माइनस माइनस याद रखिएगा, फिर क्या होता है f डैश d, f डैश d मतलब ये जो फंक्शन है f ऑफ d का, उसका डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, देन फिर फंक्शन ऑफ d का होल स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर मतलब इसके होल स्क्वायर करेंगे, और फिर क्या करेंगे इनटू v, तो इस तरह से ये आपका pi निकाल देते हैं, किसका कौन सा केस का, केस 5 का, ये हो गया आपका pi, एंड हो गया। pi कैसे फाइंड करते हैं, जब cf निकल जाएगा pi निकल जाएगा, तो आप पॉइंट निकाल देंगे cf plus pi करके, ठीक है। एक ऑपरेटर बताता हूं, ऊपर वाला नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं एक ऑपरेटर फार्मूला ही मान लो, 1 अपॉन d माइनस अल्फा अल्फा इनटू q, q की जगह पे कुछ भी आ सकता है, जैसे ये सब भी आ सकता है, तो क्या लिखेंगे e पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस अल्फा एक्स इनटू क्यू डीएक्स, तो ये फॉर्मूला होता है। अच्छा ये बताइए, मैंने बताया था डी मतलब क्या होता है, डी अपॉन डीएक्स, ठीक है। और अभी जब बोलेंगे कि वन अपॉन डी क्या होता है, इसका वन अपॉन डी मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर नीचे वन अपॉन डी रहे मतलब अगर ये रहे साइन एक्स, तो क्या करेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है कि वन अपॉन डी रहे तो उसका मतलब इंटीग्रेशन होता है। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर एंड करते हैं सेशन को। चलिए
क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, क्या है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस साइन टू एक्स ठीक है। तो ये आपका क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी रहे क्या लिखेंगे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस साइन टू एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं, डी के फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में इसके फॉर्म में डी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा डी डी टू डी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे डी टू डी एक्स स्क्वायर की जगह पे डी टू लिखते हैं, मतलब एक तरह से पुट्टी कर देते हैं इसको इस वाले इक्वेशन में, इसको इक्वेशन वन लिफ्ट कर देते हैं कि डी अपॉन डी एक्स को डी, तो हो जाएगा क्या चीज डी टू प्लस फोर इंटू वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस साइन टू एक्स। अब इस चीज को क्या किया, अब तो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, ये इक्वेशन टू लिख दीजिए इक्वेशन टू। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन, दो पार्ट होगा, वाई का वैल्यू निकालेंगे तो वाई इक्वल टू क्या होता है बताइए पहले सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा, तो किसका पहले कैलकुलेशन करेंगे सी एफ का, तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सी एफ। कैलकुलेशन ऑफ सी एफ में क्या करते हैं कि आपके पास डी के जगह पे क्या पुट करते हैं, डी के जगह पे एम पुट करते हैं और वहां से क्या निकालते हैं रूट्स निकालते हैं, तो हो जाएगा आपका, और साथ साथ क्या एक्सिलरी इक्वेशन जो होता है आपका, एक्सिलरी इक्वेशन बताए थे ना, एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो, बताइए यहाँ पे डी के जगह पे जब एम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है इस तरफ लिखता हूँ आप क्या है एम स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो हो गया, यहां से एम का वैल्यू आएगा क्या आएगा माइनस फोर का अंडर रूट हो जाएगा, ये बताइए अब माइनस में है तो एक फॉर्मूला देखे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होता है, जब माइनस वन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस टू आई आ जाएगा एम का वैल्यू, इसको लिख सकते हैं जीरो प्लस माइनस टू आई, तो इसके हिसाब से आपका एक कॉम्प्लेक्स रूट आया, तो कॉम्प्लेक्स रूट आया तो इसका सी एफ क्या हो जाएगा सी एफ बताइए क्या होगा सी एफ होगा आपका देखिए ई पर पावर अल्फा एक्स होता है ई पर पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, ये फॉर्मूला होता है आपका, तो इसे में आप पुट कर देंगे अल्फा के जगह पे जब जीरो पुट करेंगे, ये तो अल्फा है ना अल्फा है ये बीटा है, तो ये जब जीरो रखेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो सिंपल ये से बचता है तो क्या लिखेंगे आप सिंपल ये लिख दो सी वन कॉस बीटा बीटा जगह कितना है टू एक्स प्लस सी टू साइन बीटा कितना बीटा जगह पे टू रख दो टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका सी एफ निकल गया, ये आपका सी एफ निकल गया। अब आपको पी आई निकालना है, तो पी आई कैसे निकालेंगे देखिए ये पहला वाला पार्ट है ई टू पावर ए एक्स और ये है क्या साइन टू एक्स, तो इनको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, इनको अलग अलग निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे तो पी आई का पार्ट हो जाएगा, या फिर दोनों को कंबाइन लिख सकते हैं, तो मैं कंबाइन निकाल रहा हूँ तो आप क्या करो या फिर मैं भी क्या करता हूँ सेपरेट निकाल जाता हूँ, तो पी आई लिखते हैं पी आई corresponding to e पर पावर x, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा e पर पावर x के अकॉर्डिंग देखिए e पर पावर पहले तो pi इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट 1 अपॉन f ऑफ d लिखो पहले और ये जो है e पर पावर x आ जाएगा और एक जगह पे क्या है 1 है ना एक जगह पे 1 तो डायरेक्ट क्या होगा 1 अपॉन f ऑफ d बताइए f ऑफ d क्या है d स्क्वायर प्लस क्या है d स्क्वायर प्लस 4 इधर गया आपका d स्क्वायर प्लस 4 ये है d स्क्वायर प्लस 4 f ऑफ d है ना ये
एफ ऑफ डी यही है। अब एफ ऑफ डी में क्या पुट करते हैं हम यहाँ पे, डी इक्वल टू वन पुट कर देंगे, ठीक है। डी इक्वल टू वन पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन डी स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है, और ई पर पावर एक्स ही बचाएगा। तो डायरेक्ट कितना हो गया यहाँ बताइए, ई पर पावर एक्स बाई फाइव, यहाँ से करस्पॉन्डिंग टू ई एक्स कितना है, ई पावर एक्स प्लस अपॉन फाइव आया। अब पी आई करस्पॉन्डिंग टू क्या लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग साइन टू एक्स के अकॉर्डिंग, तो आपका क्या हो जाएगा, पी आई करस्पॉन्डिंग टू साइन टू एक्स, साइन टू एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका पी आई वन अपॉन, देखिए वन अपॉन एफ ऑफ डी साइन टू एक्स, साइन टू एक्स, ओके, साइन टू एक्स। फिर क्या लिखेंगे, देखिए इस चीज को यहां भी लिख सकता हूं मैं, एफ ऑफ डी हो गया, अब डी की जगह पे डी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करते हैं, माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, तो माइनस ए स्क्वायर मतलब माइनस टू का स्क्वायर, तो मतलब माइनस फोर आएगा, ठीक है, डी की जगह पे डी स्क्वायर जब माइनस फोर, ठीक है, तो डी स्क्वायर जब माइनस फोर आएगा तो यहाँ पे चेक कीजिए, जब माइनस फोर रखेंगे यहाँ पे माइनस फोर, तो ये एफ ऑफ डी क्या हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। जब जीरो आ गया तो एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक से मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है, तो हम क्या किए, एक से मल्टीप्लाई किए, देन इस चीज को क्या किए, डी को एफ ऑफ डी जो है, देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस फोर है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू डी हो जाएगा, ओके, डी स्क्वायर के डी स्क्वायर, अब फोर क्या होता है, फोर कॉन्स्टेंट है तो उसका जीरो हो जाएगा, ओके, तो एक्स बाई टू डी हुआ, देन फिर क्या होता है आपका साइन टू एक्स, साइन टू एक्स, ओके, ये आपका हो गया साइन टू एक्स। अब देखिए अब यहां से निकाल सकते हैं एक्स बाई टू, और वन अपॉन डी का मतलब क्या समझाते हैं हम, इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स, ठीक है, अब यहां से आप हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर, एक्स बाई टू, ये साइन टू एक्स है आपका, तो साइन टू एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस टू एक्स, और टू से तो डिवाइड भी होगा, ये जो है टू एक्स, तो टू से डिवाइड भी हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स बाई फोर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा इसके चलते, ये कॉस टू हो जाएगा, कॉस टू एक्स, ये पी आई किसके अकॉर्डिंग निकला, कॉरस्पॉन्डिंग टू साइन टू एक्स, तो आप कंबाइंड वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट, सी एफ कितना निकला था आपका, सी एफ ये निकला था सी वन कॉस टू एक्स, सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स। अब यहां पे देखिए माइनस एक्स बाई फोर हो जाएगा, अब ये भी दोनों को ऐड करके लिखना है आपको, एक पर एक में इसके अकॉर्डिंग क्या था, एक इसके अकॉर्डिंग ई पावर एक्स प्लस फाइव, ये भी लिखिए आप ई पावर एक्स पावर फाइव, और माइनस एक्स बाई फोर कॉस टू एक्स, समझ में आया, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर, इतना ही आज की क्लास के लिए, बाकी जो क्वेश्चन होगा आप सिर्फ क्वेश्चन करना है, और ये चैप्टर का मतलब 50% कवर हो चुका है, तो आप लोग अब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए, सारा फॉर्म बता चुका हूँ पीआई का सीएफ का, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं इससे रिलेटेड, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, टेक केयर, बाय बाय।